नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज किस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे बड़ी अपडेट, जो कि है आपकी कॉलेज परीक्षा और प्रमोशन को लेकर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी ने क्या कहा कॉलेज परीक्षाओं को लेकर। जो हमारे सचिव है उच्च एवं तकनीक शिक्षा के नारायण लाल मीणा, उन्होंने क्या कहा आपकी कॉलेज परीक्षाओं को लेकर। और जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर देव स्वरूप जो कुलपति है लो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्या कहा आपकी कॉलेज परीक्षाओं को लेकर और यूजीसी का फैसला आने में कितना टाइम लग सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना, क्योंकि आज सारी अपडेट आपकी कॉलेज परीक्षाओं और प्रमोशन को लेकर है दोस्तों। और ये फाइनल भी होने वाला है कि आपकी कमेटी कब कि जिस दिन आपका अंतिम फैसला लिया जाएगा कॉलेज परीक्षा और प्रमोशन को लेकर। तो दोस्तों चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यूनिवर्सिटी कॉलेजों की परीक्षा, यहाँ पर आपको सो रही होगी यूनिवर्सिटी कॉलेजों की परीक्षा। अब उच्च शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि यूजीसी का मानस जानेंगे, पत्र लिखा है, जवाब आने पर 2 दिन बाद फिर मीटिंग करेंगे। यानी जो हमारे भंवर सिंह भाटी उच्च शिक्षा मंत्री है, यूजीसी का मन के जानेंगे, फिर पत्र लिखा है और जवाब आने में 2 दिन लग सकते हैं। जैसे कि आज 22 है, 24 तक लास्ट जवाब आ सकता है और लास्ट 24 जून को आपका फाइनल डिसीजन आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जुलाई अंत तक वीवी की परीक्षाएं हो सकती है, यानी जुलाई के अंत तक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो सकती है। ऑफलाइन परीक्षा से पहले वैक्सीनेशन जरूरी है, तो बिना वैक्सीनेशन के आपकी परीक्षाएं बिल्कुल भी नहीं होने वाली है दोस्तों, चाहे वो फिर फाइनल ईयर की स्टूडेंट ही क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों अर्पित शर्मा जयपुर से बता रहे हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहना दोस्तों, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज के इस वीडियो से। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले अपन ये अपडेट पढ़ते हैं, फिर हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनकी राय भी जानते हैं, उन्होंने क्या कहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम जुलाई अंत में हो सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अधिकारियों से चर्चा की है। सरकार परीक्षा के लिए तैयार है, लेकिन 3 विकल्पों पर विचार जारी है। सरकार ऑफलाइन परीक्षा कराने को पहली प्राथमिकता में रख रही है। लो वीवी के वीसी डॉक्टर देव स्वरूप की कमेटी ने जैसे ही रिपोर्ट दी है, उस हिसाब से सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराई जाती है। तो 6.5 लाख छात्रों का वैक्सीनेशन जरूरी होगा। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि एग्जाम देने वाले छात्रों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगानी ही चाहिए। इस संबंध में सरकार जल्द गाइडलाइंस जारी कर सकती है। हालांकि कमेटी ने 10 दिन पहले ही अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी थी। अभी भी 20 लाख छात्रों को सरकार के फैसले का इंतजार है। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 20 लाख छात्र है, फाइनल ईयर में 6 पॉइंट यानी 6.5 लाख 6.5 लाख छात्र है। सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी के 5.46 लाख छात्र हैं। इनके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी संस्कृत लो एवं तकनीकी बीएड के छात्र भी हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर दोस्तों अभी मत जाना, अभी और भी है आपके लिए। यहाँ पर देख सकते हो हमारे भंवर सिंह भाटी जो उच्च शिक्षा मंत्री है, उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर देख सकते हो दो दिन बाद दोबारा मीटिंग, यूजीसी को पत्र लिखा, परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई है। 2 दिन बाद फिर मीटिंग होगी जिसमें निर्णय हो सकता है। इससे पहले कमेटी की रिपोर्ट पर मंथन होगा, यूजीसी का पक्ष जानेंगे। ये बात बिल्कुल सही कह रही है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहना, सचिव है वे जो नारायण लाल मीणा है, जो सचिव है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के, यहाँ पर वो बोल रहे हैं मंगलवार को यूजीसी को पत्र लिखा है, परीक्षा पिछले साल की तरह करानी है या कोई नई गाइडलाइंस निकालनी जाएगी, इस संबंध में जानकारी मांगी है। इसी के बाद आप दोस्तों जो हमारे कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर देव स्वरूप, उनकी राय भी जान सकते हो। तो भी अभी मत जाना, और भी आपके लिए यहाँ पर देख सकते हो लो कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्र पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कॉलेज का नाम व एफिलिएशन चेक करें, ताकि बाद में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन 9 कॉलेजों की लिस्ट भी वेबसाइट पर डाली जा रही है। जल्द ही कॉलेजों की संबद्धता लो यूनिवर्सिटी से करा दी जाएगी, डॉक्टर देव स्वरूप जो कुलपति है लो यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। और अगर आप और भी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो लो यूनिवर्सिटी के कुलपति है उनकी कॉलेज के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो दोस्तों। आपके लिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लो यूनिवर्सिटी कुलपति है डॉक्टर भी देव स्वरूप, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और आज के इस वीडियो का जो फाइनल निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि 2 दिन बाद, जैसे 24 जून आएगी, 2 दिन बाद जो यूजीसी है उसका अंतिम फैसला जाएगा। यूजीसी बताएगी उनको क्या करना है, तो उन सभी फैसलों के, जो कमेटी का फैसला है, यूजीसी का फैसला, सभी के बारे में मंथन किया जाएगा, जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और सीएम अशोक गहलोत के द्वारा कराया जा सकता है, करेंगे वो दोनों मिलकर करेंगे, और वो फाइनल डिसीजन निकालेंगे कि स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कि फाइनल स्टूडेंट को, ईयर की स्टूडेंट को बिना वैक्सीनेशन के एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और वैक्सीन लगवाते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों।